हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ दोस्तों। तो अभी टाइम हो रहा है 7:39 और अभी दीदी आ रहे हैं शिव की मुनि को देखने बाहर निकली हूँ। आंखें देखो कैसी सूझ रही, रात को मैं इतना रोई मेरे को इतनी ज़्यादा पेट दर्द हो रही थी ना, ऐसे ही बिना वजह के पता नहीं क्यों। शायद रात को फैन ऑन होता है ना तो कंबल वगैरह हट जाती है, उस वजह से हो रही होनी थी। वो रहा हमारा बात, दिख रहा है पत्तों के बीच थोड़ा, ये देखो दीदी और पीछे आ रही है। अब गर्मी तो भाई रामपुर की मारे डालेगी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना। भले ही धूप नहीं लगी है बट फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। हेलो बात क्या रहा? अगर नहीं लाई होनी ना मैं कुछ चीज़ी। ऐसे बोलो खोलो भाई। अच्छा, खुला ही है, कहाँ है? हेलो नमस्ते, ठीक? इसकी मम्मा नहीं आई अभी, गुड बाय खत्म, इसलिए बोलते हैं गाइस मोटापा कम किया जाए। तो अभी मैं तैयार होगी और हम लोग अभी मार्केट जा रहे हैं क्योंकि दीदी को थोड़ा सा सामान वगैरह लेना था। और पीछे देखो गुलान, गुलान मेरे को मार के दिखाओ घूम रहा है। तो और मैं दीदी से काम कर, दीदी बर्तन मांज रहे हैं। ऐसे ही तो हमें मेहमान चाहिए जो हमारे घर आके काम करे, है ना। हेलो हेलो, एक टिक टैक प्लीज। नो 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 नो, क्या मैं आज क्या बोलता हूँ याद मेरे को बच्चे से उसकी चीज ही छीनना गाइस। कौन लालची है? पत्नी थी, पत्नी थी पहले। पता है मैं पत्नी कितने सालों के बाद आई हूँ। ये बहुत बढ़िया हुई है अभी ऑरेंज वाली। कैसे देख रहे हैं पहले और देखिए। हेलो गाइस, ये है रिया के और मैं नॉर्मली, ये सब देखो गाइस वो तुम्हारी का चैनल है, ओके गाइस। अभी थोड़ी देर हम लोग यहाँ बैठे क्योंकि जीजू जो है हॉस्पिटल गए, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा तो फिर हम उनका वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ही हवा थी, बाकी जितनी ज़्यादा गर्मी है ना। ये बैठे हैं हम लोग इधर जीजू, और यहाँ पे अच्छी हवा चल रही एकदम ठंडी ठंडी सी। तो ये मम्मा आज गए थे घूमी करने, तो इतने ज़्यादा खुश लग रहे थे और मम्मी को खुश देख के मेरे को पर्सनली इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना, तो मैंने सोचा क्यों ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इस मोमेंट को कैप्चर किया जाए। तो मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थे। ये लोग गए थे तत्ता पानी सुन्नी और करसो, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कहाँ कहाँ घूमे होंगे ये लोग, बट मम्मा बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी क्योंकि डोरा के जाने के बाद मैंने मम्मा को पहली बार इतना खुश देखा है। हाँ ये कॉम है, बाय बाय बाय। देखो हाथ देखो तो कितना बड़ा है, पटाखा मारने के लिए किया हुआ मेरे को। तो अभी मैं कपड़े वपड़े धोकर फ्री हुई, मेरे को बहुत सारे कपड़े धोने के, तो दीदी वगैरह के जाने के बाद मैं सीधा लगी कपड़े धोने। हवा इतनी तेज चल रही है ना दोस्तों, मेरे कपड़े भी हवा में उड़ी उड़ी जा रहे हैं। और उधर देखो उस साइड तो तेज बारिश भी हो रही है और सारे कपड़े अभी गिल्ले ही है, गिल्ले। अंदरों का तंग आई जी, सारे उन्होंने उल्टे पुलटे करे हुए थे, देखो से फूल तोड़े हुए और कितना गंदी आ रही ना। मैं लाइट है नहीं वैसे, दर्जी तभी सोए हुए तो मैं से आराम से बात करी, मेरे को भूख भी लगने लग गया तो बस खाना। वैसे देर सुबह की दाल बची थी, देखो लिपस्टिक कैसे फैलाया हुआ मैंने, सुबह की दाल बची हुई थी तो दाल गर्म करती हूँ, इनको भी उठाती हूँ, खाते पीते हैं फिर गाइज चले। गाइज हेलमेट पहन लो गाइज। अगर मैं ऐसे गिरूंगी ना, ऐसे गिरूंगी ना मतलब कहीं दूर से तो टूटेगा नहीं, मतलब मेरे को लग गया मैं, मेरा सिर नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा ना गाइस। और ये भी लेके जा रही हूँ मैं, इतनी मोटी लग रही है ऐसे। खेलना जाओ। हाँ तो
मम्मी हम पहुंच गए टाटी पुल। हम थोड़ा सा टाटी उधर तरफ जा रहे हैं गाइस, टाटी देखे तो पुरानी यादें याद आती है, खासकर श्वेतू की बड़ी याद आती है दोस्तों। तो चलो और कुछ नहीं हाय सतलुज का फ्लो देखो दोस्तों एक बार, तगड़ा ही है ना, यहाँ से देखो नीचे से। शाम को थोड़ा सा बारिश वाला मौसम भी हुआ तो ठंडा ठंडा भी है, गली से बोला कि चल थोड़ा सा घूम के भी आते हैं, और बाजार में थोड़ा सा काम था हमें कि भाई वो भी करके आते हैं। वो देखो कितना पानी निकल रहा है, पानी की पाइप है वहाँ पर। तो अभी ना हमें वहाँ कुछ दिख रहा है, वहाँ अब देखने में ऐसे लग रहा है ना ये वाला कि मतलब ऐसा मेरे को लग रहा है कपड़ा है, पर दिलजीत बोल रही है ना कोई गाय या कुछ ऐसा है वहाँ पर। ऊपर से बह के आया फिर यहाँ पर फंस गया। अभी टाइम बता दो, टाइम हो रहा है 9:17, दिलजीत धो रहे हैं अपने कपड़े और अब कुछ लोग बोलेंगे पति देगा हम घूर अंदर से मेरे को ना। तो फिर अभी हम खाना हम लोगों ने वैसे खा दिया था 7 बजे, जैसे हम रूम पहुँचे फिर भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, फिर हमने खाना वगैरह खा दिया था, अभी फिर से भूख लग रही है तो हम सोच रहे हैं कि कुछ बनाते हैं। हमारे पास ब्रेड पड़े है, चीज़ भी पड़ा हुआ था और थोड़ी बहुत सी सब्जियाँ भी पड़ी थी, तो हम सोचते हैं कुछ बनाते हैं। तो पहले मैं सब्ज़ियाँ काटती हूँ जितने में अपने कपड़े धोते हैं, क्योंकि उनको मेरे धोए हुए कपड़े तो पसंद आते हैं नहीं। तो अभी मैंने प्याज टमाटर शिमला मिर्च चॉप कर दिया है, बाकी अब देखते हैं दिलजीत क्या बनाते हैं। गाइस मेरे घर में ऐसे ऐसे भिखारी लोग रहते हैं जो मेरे कपड़े पहन के घूमते रहते हैं, नए कपड़े। और जब तुम मेरी टी शर्ट पहन के जैसे ब्लॉग में दिखाते थे, ये देखिए दोस्तों मैंने आज ये पहनी है। मैंने कब पहनी आपकी टी शर्ट? मैंने कब पहनी आपकी टी शर्ट? कौन सी? ट्री वाली है, ट्री वाली वो मेरी है। कुल्लू में किसने ली? वो मैंने ली, पता नहीं गाइस क्या क्या इधर इकट्ठा किया हुआ है, अब इधर से यूट्यूब से रेसिपी चुराएंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे गाइस ब्राउन ब्रेड, अब इस तरह से हम इसमें लगाएंगे बटर, ठीक है गाइस, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करना है। साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं महादेव, बाहर कपड़े वगैरह डाले हैं और इस सूगियन को उठा लेती हूँ, और इतनी ठंडी हवा चल रही है ना बाहर, बहुत मज़ा आ रहा है। और हाय हाय, क्या बन रहा है इतने सारे क्यों बना रही? सुबह के लिए भी रहने दो। क्या हुआ? हम इसमें कुछ मसाला छिड़केंगे, पता नहीं क्या है, पीरी जो पिज़्ज़ा नहीं होता गाइस, पता नहीं क्या, चलो जो भी ठीक है। अब हमने इसमें एक एक चीज की स्लाइस रख ली है, तो मैं तब तक अपनी नमकीन खाती हूँ, मेरे को बहुत टेस्टी लगता है। और इसमें बीच में भी बहुत कुछ डाला है, ये पिचकू सॉस और ये जो चटनी हमने थुप्पे के साथ लेकर आए थे ना चटनी, वो बीच में मिलाई है। तो ये देखो, और ये चीज सॉरी ये बटर है, ये चीज़ है, और पता नहीं क्या क्या डाला है। देखने में तो अच्छा खासा लग रहा है ना, बाकी खाने में पता नहीं कैसा होगा। मत खाओ, मैं खा रही हूँ। पसम मैंने बनाया तो पसंद होगा। जल्दी हम बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं।